हेलो बच्चों, तो हम आज अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में चैप्टर वन का आधा टॉपिक पढ़ लिए थे। अब आधा आज पढ़ेंगे तो इस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहला था रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेज्म। तो इसमें हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिया, रिप्रोडक्शन होता क्या है, और लाइफ स्पैन देख लिया, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पिछली वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया था और बता भी दिया था कि प्लांट में उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बोलते हैं, एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो अब हम उसमें पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी स्पीसीज के, चाहे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ह्यूमन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे एक एज पर आना चाहिए। सर्टेन ग्रोथ, सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ उसे अटेन करना है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा। जैसे कि जुवेनाइल फेज जब खत्म होता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तब हम हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से हम रिप्रोडक्टिव एज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर पाते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल चेंज होते हैं तभी तो हम किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में जाते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। जैसे जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव फेज में आए तो वहाँ पर भी हार्मोनल चेंज हुआ। अब रिप्रोडक्टिव फेज से जब हम सेनेसेंस फेज में जाएंगे और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, सेनेसेंस फेज के बाद हमारी डेथ हो जाएगी, तो वो सारे हार्मोन की वजह से ही सारी फेज चेंज हो रही है। तो सभी का चेंजिंग का कारण हार्मोन्स है। हम जैसे जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स का इंक्रीज होता है, कुछ हार्मोन्स नए ऐड होते हैं, तो हम वही देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला गया, और यह एक स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, और ये नेचर में वाइटल है, बहुत धीमी गति से होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइम टेकिंग, टाइम लेने के लिए। तो इसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवेंट्स में बांट दिया, तीन इवेंट्स में, और तीनों चेंज करने के लिए, वो तीनों को भी चेंज करने के लिए, तीनों में एक इवेंट से दूसरे में जाने के लिए वहाँ भी हार्मोन की ही चेंजेज होगी। तो यहाँ पे लिखा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीधा आता है कि फर्टिलाइजेशन होगा उसमें। तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, किस चीज़ का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा। तो हम इसे तीन इवेंट्स में डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसका मतलब है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या कौन कौन से काम होंगे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा। अगर आपको कोई भी काम करना है उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा ना, ये काम कैसे करना है, इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए, सामान सामान का इकट्ठा कर लिया आपने तो उसे बनाना है, सामान उस जिस जो चीज जो काम करना आपको वो काम करेंगे, पहले सामान इकट्ठे किया, वो काम किया, काम करने के बाद कुछ तो हुआ उसका, उसका उस चीज़ का करना क्या है, आगे क्या करना है, उस चीज़ का आगे क्या करना है, प्रोसेसिंग क्या होगी उसकी। तो ये तीन इवेंट्स में बांट दिया, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीज़ आते हैं, पहला है गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा आएगा गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेगा, तो सबसे पहले प्री में आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या क्या होगा, पहले गैमेट बनेगा, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा काम होगा जब गैमेट बन जाएगा तो उसे गैमेट का ट्रांसफर भी तो करना है, अब फीमेल गैमेट अलग बनेगी, मेल गैमेट अलग, तो दोनों का ट्रांसफर होगा, चाहे बॉडी के बाहर मिले चाहे बॉडी के अंदर। बॉडी के बाहर मिलेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा, बॉडी के अंदर मिलेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। वो एनिमल के देखेंगे ना, एनिमल किस प्रकार का, वो कैसा फर्टिलाइजेशन चूज करता है,
नेचर ने उसे दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट ट्रांसफर, और सेकेंड में आएगा फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे तो गैमेट ट्रांसफर होंगे, हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगैमी उसे बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोल लो आप या सिंगैमी, ठीक है। अब सिंगैमी के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सिंगैमी हो जाएगी, तो जाइगोट बनेगा, ठीक है, तो जाइगोट बनेगा। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, यहाँ पे गैमेट मिलेंगे तो एनएन मिलेंगे, तो यहाँ पे आके 2N बनेगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद। फिर वो उसका हम उस जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट सेल डिवीड करेगा, सेल डिवाइड करेगा, अपनी सेल की संख्या बढ़ाएगा, तो वो एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, वहाँ भी सेल डिवाइड करेगा, तो हर एक सेल का एक ग्रुप एक नया ऑर्गन बनाएगा, जैसे कि लिम्स बनाएगा कोई सेल मिलकर, कोई हार्ट बनाएगा, कोई लीवर, किडनी, ऐसे ही पूरी एम्ब्रियो को तैयार करेगा। फिर वहाँ से एग्मन्स जन्म मिलेंगे। तो यहाँ पे तीनों हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। तो पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट। टू टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। गैमेट होते हैं हैप्लोइड सेल्स, गैमेट हमेशा हैप्लोइड सेल्स होंगे। अगर हैप्लोइड होंगे तभी तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, उसे ही जाइगोट बोलेंगे। जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगैमी होगी, वो मिलेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो उनका 2N हो जाएगा। जैसे हैप्लोइड सेल्स N लिखा है यहाँ पर, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा NN 2N हो जाएगा। ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 23 होता है, हैप्लोइड सेल्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो एक जाइगोट में 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा। इसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो गैमेट बनेंगे, दोनों अलग अलग, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। लेकिन कुछ एल्गी में, इन सम एल्गी, द मेल एंड फीमेल गैमेट आर सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे एक मार्कर है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट, केवल रंग का चेंज है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो हम उसमें बता भी नहीं सकते कि मेल का गैमेट है, ये फीमेल का गैमेट है, ये फीमेल है या ये मेल है, हम इसमें डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। तो इसलिए होमोगैमेट्स बोलते हैं कि बिल्कुल होमो है, सेम है, होमोगैमेट्स, इसलिए हम उसे होमोगैमेट्स बोलते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल सेम होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में हेटरोगैमेट्स होते हैं, ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, दोनों अलग आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आपने एक बार देख लिया कि फीमेल गैमेट है, तो हमेशा ऐसे दूसरी फीमेल गैमेट रहेगी, ये मेल गैमेट होगा। तो यहाँ पे इसे हेटरोगैमेट्स बोलते हैं, उसे होमोगैमेट्स बोलते हैं। होमो मतलब सेम तरह के दिखेंगे, होमोगैमेट्स आपस में बिल्कुल सेम दिखेंगे, हेटरोगैमेट्स अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है पहला, होमोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, होमोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, दोनों का एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे बता भी नहीं सकते कि हेटरोगैमेट्स है, ये भी गैमेट्स है, ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट, ये भी गैमेट, तो ये बिल्कुल सेम है ना, होमोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, बिल्कुल सेम है। बता भी नहीं सकते कि ये फीमेल का गैमेट है कि मेल का, ये फीमेल है या ये मेल है, ये मेल है या ये फीमेल है, इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसे हम बोलते हैं होमोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, ठीक है। अब होमोगैमेट्स आ गया तो हेटरोगैमेट्स भी आएगा कि अलग अलग दिखेंगे। हेटरोगैमेट्स ऑफ ह्यूमन हो गया, फ्यूकस होता है, एक एल्गी होती है, उसका भी हेटरोगैमेट्स होता है। एनसाइट में एक दो तीन एग्जाम्पल है, आई उसे भी लिख देते हैं हेटरोगैमेट्स।
हेट्रोगेमेट्स ऑफ फ्यूकस एंड एलगा। एंड ह्यूमन इनका हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ठीक है। और होमोसेपियंस, ह्यूमन को होमोसेपियंस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है। तो ये हेट्रोगैमेट्स हो गए फ्यूकस इन एलगा एंड ह्यूमन, होमोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा, ये होता है। फ्यूकस का देख लेंगे, ऐसे होता है, फ्यूकस में एक बड़ा होता है बिल्कुल, एक छोटू सा होता है। ये फीमेल गैमेट है, ये मेल है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, फीमेल गैमेट बड़ी है तो ये स्टैटिक होगी, एक ही जगह रहेगी। मेल गैमेट छोटा है तो ये मोटाइल होगा। जब हम इसके आगे पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफ़र, जब ये गैमेट ट्रांसफ़र होंगे आपस में मिलेंगे तो फीमेल गैमेट तो ही रुकी रहेगी, मेल गैमेट जहाँ रहेगा वहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए मीडियम से, अगर ये वाटर में है तो वाटर के मीडियम से मिलते हुए यहाँ तक आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे, सिंगेमिक वहाँ पे शो करेंगे। अभी तो ये फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है तो जा नहीं सकती, नॉन मोटाइल है, बड़ी है। ऐसी ह्यूमन में भी है, ओवम होता है, स्पर्म होता है, ओवम स्पर्म ऐसे होता है, टेल होता है, ये ओवम बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। ये ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, इसमें एलुरोन लेयर होता है। तो यहाँ पे भी फीमेल स्टैटिक होती है, ये मोटाइल होता है, यही आता है, स्पर्म ही मीडियम में चल कर आता है। तो यहाँ तक हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब हम पढ़ते हैं गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस में आप पढ़ लिया गैमेट होता क्या है, गैमेट बनता कैसे है, गैमेट आर हैप्लॉइड सेल्स। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि गैमेट दो प्रकार के होते हैं, होमोगैमेट्स मतलब दोनों फीमेल और मेल गैमेट एक सा दिखेंगे, और हेट्रोगैमेट्स में दोनों अलग अलग दिखें, हम उसे देख कर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फीमेल गैमेट है और एक मेल गैमेट है। और हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा। गैमेट ट्रांसफर, इससे हम पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ, मोनोसियस क्या होता है और डायोसियस, ठीक है। मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट, मोनोसियस मतलब आप सीधा याद कर लीजिए, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट में फीमेल गैमेट भी होगा, फीमेल पेरेंट भी होगा, मेल पेरेंट भी होगा, तो फीमेल गैमेट भी और मेल गैमेट भी एक ही प्लांट में बनेगा, उसे हम बोलेंगे मोनोसियस प्लांट, या बाइसेक्सुअल बोल लीजिए, या होमोथैलिक बोल लीजिए, एक ही पे दोनों होंगे, होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक मतलब दोनों अलग अलग होंगे। डायोसियस कंडीशन, फीमेल पेरेंट अलग, मेल पेरेंट अलग, तो फीमेल गैमेट अलग बनेगी, मेल गैमेट अलग बनेगी, ठीक है। आप याद कर लीजिए मोनोसियस, मोनो मतलब एक ही पे दोनों रहेगा, इसके एग्जांपल अभी देख लेंगे, और डायोसियस मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। पिछली क्लास में मैंने इसे एग्जांपल बता रखा था, मोनोसियस डायोसियस अच्छे से बता भी रखा था, इसलिए मैंने गैमेटोजेनेसिस में बताया नहीं, वहाँ पे गैमेट बनेंगे। तो अगर गैमेट ट्रांसफर होगा तो मोनोसियस में आसानी से हो जाएगा, एक ही प्लांट पे फीमेल पेरेंट भी है, मेल पेरेंट पे, फीमेल ऊपर मेल नीचे, तो गैमेट यहाँ बनेगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा आसानी से, किसी एक्सटर्नल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, नहीं पड़ेगी। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया हुआ चारा, कारा भी बोलते हैं उसे, वहाँ पे देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर आई है, ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे 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 बनाया गया, ये बोलता है
इसे बोलते हैं उगोनियम या न्यूक्यूल गा ग्लोब्यूल एंथ्रेडियम ये है कारा ये है मोनोसियस प्लांट ठीक है। कारा में मोनोसिस मतलब बताता है अभी फीमेल भी रहेगा मेल भी रहेगा तो ये जो है उगोनियम ये फीमेल पार्ट है और ये है मेल है ठीक है मेल पार्ट तो यहाँ फीमेल गैमेट बनेगा यहाँ पर मेल गैमेट बनेगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसमें पूछा भी जाता है फीमेल पार्ट ऊपर होता है मेल पार्ट ऊपर होता है क्वेश्चन बनता है सीधा और ऐसे भी पूछा जाता है फीमेल पार्ट को मोगोनियम बोलेंगे मेल पार्ट को एंथ्रेडियम या ग्लोब्यूल या फीमेल पार्ट को न्यूक्यूल तो आप इसका एक एग्जांपल मतलब ट्रिक है वो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। इसे याद करना तरीका नो गा या ऐसे लिख लीजिए नो गा नो गा ट्रिक नोगा मतलब नोगा नो ऊपर है गा मतलब गा तो एन से न्यूक्यूल ओ से उगोनियम एन से न्यूक्यूल ओ से उगोनियम मतलब फीमेल पार्ट फीमेल हमेशा ऊपर ही रहती है मेल से तो यहाँ पे भी फीमेल ऊपर है आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा यहाँ से पूछा जाता है नीट में भी ठीक है नो गा न्यूक्यूल उगोनियम गा ग्लोब्यूल एंथ्रेडियम मेल पार्ट एंथ्रेडियम मेल पार्ट है उगोनियम फीमेल पार्ट है यहाँ से याद कर सकते हो नो गा नो गा नो गा नो गा न्यूक्यूल उगोनियम ग्लोब्यूल एंथ्रेडियम न्यूक्यूल उगोनियम ग्लोब्यूल एंथ्रेडियम मोनोसियस प्लांट है मोनोसियस चारा ठीक है। एक मोनोसियस और प्लांट होता कल मैंने बताया था एग्जाम्पल ट्रिक बताया था पीएम पाइनस भी होता है मोनोसियस प्लांट में आता पाइनस भी आता है और डायोसियस में आता साइकस साइकस डायोसियस पाइनस मोनोसियस कारा भी मोनोसियस प्लांट है ठीक है आप यहां से देख लीजिए। तो यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर इजीली हो जाएगा मोनोसिस प्लांट में गैमेट यहाँ बना यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल पार्ट के ऊपर इन दोनों को गैमेट आपस में मिल जाएंगे। जो डायोसिस प्लांट है यहाँ पे देखिए डायोसिस प्लांट में एक प्लांट इधर है एक प्लांट इधर है तो जो गैमेट बनेगा इस 100% चांस थोड़ी ना कि इधर से इधर ही आए इधर से इधर भी जा सकता कहीं भी जा सकता तो गैमेट इसलिए जो गैमेट बनता है मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट से ज़्यादा बनता है सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा बनता है तो 100% चांस थोड़ी ना ये गैमेट यहाँ बनेगा तो फीमेल पार्ट तुरंत चला जाएगा उसके रास्ते तो बहुत सारे कहीं भी जा सकता है लॉस भी हो सकता है रास्ते में उसकी डेड हो सकता है वो कहीं जाकर सूख गया कहीं जाके किसी जाल में फंस गया तो नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम पोलिनेशन बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पोलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है पोलिनेटर में आ गया सबसे ज़्यादा पोलिनेटर है कौन बी मधुमक्खियाँ तो वो यहाँ पे पोलिनेटर का काम करते हैं तो पोलिनेशन इस प्रोसेस को पोलिनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा ट्रांसफर गैमेट का यहाँ पे एजेंट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे हवा बहेगा तब भी यहाँ से गैमेट यहाँ चला जाएगा ठीक है। तो आइए हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर में और एग्जाम्पल आपको मोनोसियस और डायोसियस में कोई दिक्कत होगा नहीं मोनोसियस उसे बोलते हैं जिस एक ही प्लांट में फीमेल भी हो मेल भी हो डायोसियस दोनों अलग अलग होते हैं मोनोसियस हो गया डायोसियस हो गया। मोनोसियस प्लांट के एग्जांपल आपने देख लिया एक और कुछ और एग्जांपल लिखवा देते हैं प्लांट में
मोनोसियस। ककर भी कोकोनट कारा पाइनस डायोसियस में पपाया PAPAYA पपाया डेट पाम इसका तो ठीक बता दिया MP PM डायोसिस में एक और चारा पाइनस साइकस साइकस यहाँ पे मैंने कल इसका लिख बताया था साइकस और पाइनस का। यहाँ पे आप लिख सकते हो PMCD साइकस डायोसिस होता पाइनस मोनोसिस होता। कारा भी देख लिया कारा नो होगा जहाँ पे आप कारा लिखे वहाँ पे सीधा लिख लीजिए नो गा। नुक्यूल ओगोनियम ग्लोबुल एंथ्रीडियम नुक्यूल और ओगोनियम फीमेल पार्ट है ग्लोबुल एंथ्रीडियम मेल पार्ट है तो नो पहले आएगा तो नो का मतलब पहले आएगा नो तो मतलब फीमेल पार्ट ऊपर आएगा ग्लोबुल एंथ्रीडियम नीचे मेल पार्ट नीचे। एक एग्जाम्पल होगा मनुष्य का ककरबीट कोकोनट कारा पाइनस डायसेस का पपाया डेट पम्प साइकस। तो यहाँ पे आपने गेमिट ट्रांसफर देख लिया इसमें गेमिट का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा मनुष्य में क्योंकि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट फीमेल या फीमेल गैमेट मेल गैमेट आपस में एक ही प्लांट में मौजूद है और डायोसिस में अलग अलग प्लांट में मौजूद है। तो यहाँ पे हमें पोलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमें पोलिनेशन करना होगा पोलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा होता है ज़्यादा नेचर में बनता है कि कुछ लॉस हो जाए कुछ किसी कुछ वैसे गिर गए फालतू में कुछ पहुंच ना पाए फीमेल गैमेट के पास तो कुछ तो पहुंचेंगे इसलिए सेवरल थाउजेंड टाइम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये हो गया गैमेट ट्रांसफर और हम आगे देखते हैं मोनोसिस डायोसिस आप याद कर लीजिए सीधा कोकरबिट कोकोनट कारा पाइनस कोई डेट कर रहा है किसी को तो दो होंगे डायोसियस डेट पाम पीपी दो बार पी आ रहा है पपाया डायोसियस साइकस भी डायोसियस CD तीनों का ट्रिक है इसका भी ट्रिक है इसका भी ट्रिक है आप याद कर लीजिए कोकोनट का कर्वित मोनोसियस होते हैं ठीक है। अभी हमने देख लिया गैमेट ट्रांसफर में मोनोसिस प्लांट होता उनका गैमेट ट्रांसफर इजीली हो जाता है डायोसिस प्लांट में थोड़े से हमें पोलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है पोलिनेटर भी हो गया कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है मीडियम भी हो गया। हमने गैमेट ट्रांसफर अभी देख बताया था जब मैंने हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस NALGA का बताया था वहाँ पर जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है स्टैटिक होती है और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। तो जो मेल गैमेट होता है मोटाइल है तो वो चलकर फीमेल गैमेट के पास आकर फ्यूजन करेगा सिंगेमी करेगा इसलिए लाइन लिखा जाएगा इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट इज मोटाइल एंड स्टैटिक एंड मेल गैमेट इज नो 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 फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल एंड स्टैटिक एंड मेल गैमेट इज मोटाइल मोटाइल उसका फ्लैजिला होगा एनर्जी होगी वो चल के जाएगा और इन एंजियोस्पर्म एंड रेड एल्गी बोथ फीमेल एंड मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल ठीक है। आप एल्गी में चैप्टर में पढ़ेंगे 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने वहाँ पे रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है ना मेल गैमेट में होता है ना फीमेल गैमेट में होता है दोनों नॉन मोटाइल होते हैं तो वहाँ पे मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती गैमेट में ठीक है। तो यहाँ पे हमने गैमेट ट्रांसफर देख लिया अब हम आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन गैमेट ट्रांसफर पूरा बताए थे कैसे कैसे गैमेट ट्रांसफर होगा। अगर डायोसिस प्लांट है एक गैमेट फीमेल प्लांट अलग है मेल प्लांट अगर अगर बी मधुमक्खियाँ जो ज़्यादा पोलिनेटर के यूज करती हैं यहाँ से स्टिग्मा से एक ले गई गैमेट ले गई
स्टिग्मा लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ले गई। स्टिग्मा को लैंडिंग ऑफ पोलन बोलते हैं, पोलन लैंड करता उस पर, वहाँ पे गई तो पोलन वहाँ पे स्टिग्मा पे गया, तो नॉन मोटाइल है एंजियोस्पर्म में तो अपने आप तो जा नहीं सकता, इसलिए पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब निकलता वहाँ से बनता है। पोलन ट्यूब किसके इन्फ्लुएंस में बनता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, बोरोन, वहाँ पे बोरोन का यूज होता है, उसके टिप पे बोरोन होता है, वहाँ से निकलता है धीरे धीरे एग में जाता है, तो वहाँ से फिर मेल गैमेट पोलन ट्यूब के रास्ते जाता है फीमेल गैमेट के पास, फिर वहाँ पे वो रिलीज होता है, फिर वहाँ पे फ्यूजन होता है, फिर आगे जायगोट बनता है, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो हम अगला प्रोसेस देखते हैं फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगा गैमेटोजेनेसिस गैमेटोट्रांसफर। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन सेकेंड इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एक वाइटल इवेंट है। आपने गैमेट बना दिया, गैमेट का ट्रांसफर भी करवा दिया, तो अब फर्टिलाइजेशन ही है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमेट बनाना, गैमेट पहुंचाना बेकार है, तो फर्टिलाइजेशन वाइटल प्रोसेस है। सेकेंड टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन अभी हमने गैमेट बना लिया, पहले इससे पहले प्रोसेस पर इवेंट्स पर प्री फर्टिलाइजेशन हमने उसमें गैमेट बनाया, गैमेट को ट्रांसफर कर दिया, गैमेट आर एस हैप्लोइड एन होते हैं, जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम सिंगगैमी भी बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलिए आप या सिंगगैमी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगगैमी मतलब गैमेट का मिलना, मिलना सिंगगैमी मिल गए वो, फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ये वाइटल प्रोसेस है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब गैमेट मिलेंगे तो एक डिप्लोइड सेल बनाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, एक एन, ये भी अप्लाइड सेल है, ये भी अप्लाइड सेल, ये दोनों मिल गए तो ये बनेगा, यहाँ पे मिलेगा 2n, मतलब ये डिप्लोइड हैप्लोइड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये जो नया जायगोट बना है ये अपने पेरेंट्स के थ्रू थोड़ी ना दिखेगा, कुछ करेक्टर इसके फीमेल से मिलने हैं, कुछ मेल से मिलने हैं, तो ये दोनों के बीच का बनेगा, फीमेल से ज़्यादा सिमिलर या मेल से ज़्यादा सिमिलर, लेकिन किसी की तरह एग्जैक्ट नहीं दिखेगा एसेक्सुअल की तरह, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात ये आती है फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, गैमेट बना, गैमेट बना तो गैमेट बाहर भी फ्यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल मीडियम में या बॉडी के अंदर भी फ्यूज कर सकते हैं, तो अगर एक्सटर्नल मीडियम में फ्यूज करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं बाहर, जैसे कि वाटर में हो गया, जैसे कि फिश वो गैमेट रिलीज कर देती है वाटर में, दोनों फीमेल गैमेट मेल गैमेट, तो दोनों का गैमेट वाटर में रहता है तो वहाँ पर भी मिलते हैं, कोई मोटाइल होगा मेल गैमेट मोटाइल है वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, सिंगगैमी करेंगे तो वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो बाहर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और एक फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि प्लांट्स फंजाई हमारे अंदर, ब्रायोफाइट टेडोफाइट, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में अभी बता दिया, सीड प्लांट में जैसे कि एंजियोस्पर्म हो गया, उनमें सीड होता है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, सीड प्लांट में जो मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होता है, तो वहां पे भी तो कुछ मीडियम चाहिए, तो मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, मेल गैमेट इज कैरीड टू द फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, वहाँ से पोलन ट्यूब बनता है, यहाँ पे देखिए ये स्टिग्मा है, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये स्टिग्मा आपका,
स्टिग्मा को बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। और पोलन यहाँ पे पोलन आके गिरा। अब तो ये नॉन मोटाइल है, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, इसलिए यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन होता है। पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगा, इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे कुछ रहता है, पोलन ट्यूब जाएगा, इसके अंदर रहेगा ओबम ओबम, तो यहाँ पे फ्यूज करेगा, ठीक है, ओवरी रहेगा, तो यहाँ पे जाके ये रिलीज कर देगा अपना मेल गैमेट को, रिलीज कर देगा पोलन ट्यूब। तो ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट इज कैरिड बाई पोलन ट्यूब टू द नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। यहाँ पे फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल, तो कैरिड होता है पोलन ट्यूब से, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस द फीमेल गैमेट नॉट गोइंग अंडरगो फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म। इसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, विदाउट डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता फिर भी वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। जैसे वर्कर बी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फीमेल गैमेट दो प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, गैमेट तो प्रोड्यूस कर रही है एग, एक फर्टिलाइज एग, एक नॉन फर्टिलाइज एग। आप वर्कर बी में देखिए, बी में दो केस होता है, एक जो फर्टिलाइज एग होता उससे निकलते हैं मेल बनते हैं, मेल भी बनते हैं, और जो अनफर्टिलाइज एग होता उससे बनते हैं वर्कर बी। इसलिए वर्कर बी जो होते हैं स्टराइल होते हैं, आपने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे 12th में, जो वर्कर बी होता है स्टराइल होता है क्योंकि वो नॉन फर्टिलाइजेशन से बनता, और मेल भी फर्टिलाइजेशन से बनता है इसलिए वो स्टराइल नहीं होता, मेल होता है। इसे ना मेल बोल सकते हैं ना फीमेल बोलते हैं, ना इसके पिता होते हैं ना इसके दादा होते हैं, ना इसका बच्चा होता है ना इसके पिता होते हैं ना इसका बच्चा होता है, इसके केवल दादा होते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऐसे हो सकता है, पार्थिनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है डेवलपमेंट, उसे हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। इसके पार्थिनोजेनेसिस द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर अंडर कोई डेवलपमेंट हो रहा है गैमेट का तो उसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, या हो गया फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है, अगर बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल मीडियम में होगा, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बॉडी के अंदर होता है तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे,
एक आगे पार्थेनोसिस, यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जा रहा है, बन जा रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एक होता है पार्थेनोकार्पी, वो प्लांट में होता है, ये एनिमल होता है पार्थेनोजेनेसिस। अब हम थर्ड देख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हमने पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, थर्ड टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ डिप्लोइड सेल बन गया, जाइगोट बन गया, उसके बाद से जो भी आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद के प्रोसेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से बोलेंगे। जाइगोट बना, जितने भी यूनिवर्स में या अर्थ पे बोल लीजिए, यूनिवर्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, उस सब में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बनेगा ही बनेगा। और जाइगोट एक वाइटल लिंक है, लिंक उसे बोलते हैं जो एक चीज़ के दूसरे चीज़ को जोड़ता है, तो लिंक है जनरेशन से जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन को लिंक करता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है, अगर वो मर गया तो अगला ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होगा, जनरेशन होगा ही नहीं, तो लिंक वहाँ पे टूट जाएगा, तो प्लांट एक्सटिंक्ट होगा। इसलिए जाइगोट इज अ वाइटल लिंक, जाइगोट को हम लिंक भी बोल सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जाइगोट बनने के बाद के प्रोसेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। अब जाइगोट बना, तो जाइगोट, अब जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो भी बनेगा, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो जाइगोट कुछ कहाँ रहेगा, अगर इनसाइड द बॉडी है, एक होता है ऑर्गेनिज्म ओविपेरस विविपेरस, ओविपेरस में जाइगोट का डेवलपमेंट बाहर होता है और विविपेरस में जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है। ऐसे ही जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तब भी जाइगोट बना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर जाइगोट का फुल्ली डेवलपमेंट, जो जाइगोट का जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनता है उसका फुल्ली डेवलपमेंट अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो हम उसे विविपेरस कंडीशन बोलते हैं, विविपेरस। और बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं ओविपेरस, विविपेरस ओविपेरस, ठीक है, ये समझ लीजिए। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं मतलब जाइगोट बन गया तो वहाँ का फुल्ली प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी होगा। विविपेरस मतलब अपने ओम में बच्चों को अच्छे से रखना, जितना उसका पीरियड होता है वहाँ तक रहना, उसका फुल्ली मैच्योर होना, जाइगोट से उसका सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, हर और हर सेल डिफरेंशिएट होकर एक नया बॉडी पार्ट बनाएगा। हर जब तक उसका फुल्ली डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक बॉडी के अंदर रखता है, वो विविपेरस एनिमल होता है। ओविपेरस अंडे दे देता है, वहाँ पे अंडे बाहर वो उसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बन देता है, उसे हम बोलते हैं ओविपेरस विविपेरस, ठीक है, ओविपेरस विविपेरस। आ गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जाइगोट बनने का, ठीक है, जाइगोट बता दिया, वाइटल लिंक है, कंटिन्यूटी ऑफ सीज रखता है जनरेशन टू जनरेशन। अब जाइगोट बन गया, अब आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तब उसे एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, लिख लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट टू एन होगा, तो ये सिंगल सेल है ना, अभी सिंगल सेल है वो भी डिप्लॉइड है, तो इसका माइटोटिक सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल नंबर इंक्रीज होंगे, कुछ सेल स्पेशलाइज होकर ऑर्गन बनाएंगे, कोई कोई सा ऑर्गन बनाएगा, कुछ सेल स्पेशलाइज होकर हार्ट बनाया, लीवर, किडनी, स्प्लीन, लिम्स बनाएंगे, डिजिट्स बनाएंगे, तभी तो ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप्ड होगा।
अगर वो बॉडी के इनसाइड हो रहा तो उसे बीबी पैरस बोल देंगे, बॉडी के बाहर हो रहा तो उसे ओबी पैरस बोलेंगे। ओबी पैरस में अंडे देते हैं, अंडे होता है वो कवर होता है कैलकेरियस सेल से, जिससे जो अंदर जाएगी उठे उसे डैमेज ना हो, डेसिकेशन ना हो, उसके अंदर पूरा उसका फूड रहता है, मटेरियल रहता है, वो वहीं से खाना लेकर अपने आप को डेवलप करता है। और यहाँ पर मदर की वोम में है तो बच्चा जाइगोट उसे मदर से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, प्राप्त होता रहता है। ओविपेरस वीविपेरस आप कंडीशन समझ गए होंगे, ये हो गया ठीक है। एम्ब्रियो इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। अब प्लांट में देख लेते हैं, जाइगोट इज फॉर्म इन साइड द बॉडी, जैसे मैंने भी बताया था पोलन जो मेल गैमेट होता है, मिटाना पड़ेगा ये मुझे, ये स्टिग्मा मान लीजिए ठीक है, ये ओव्यूल ओवम इसके अंदर है स्टिग्मा। स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म और पोलन बोलते हैं। तो यहाँ पे पोलन आ गया, ये मान लीजिए पोलन है, पोलन जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगा, तो आ गया पोलन ट्यूब बना, इससे यहाँ से मेल गैमेट यहाँ जाएगा, मेल गैमेट यहाँ पे दो मेल गैमेट हो जाएगा, यहाँ पे गया यहाँ पे, तो इनसाइड बॉडी जाइगोट बनेगा। यहाँ पे सेपल्स पेटल्स होंगे इसके आसपास निकले हुए, जब जाइगोट बन जाएगा फ्यूजन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बता भी दिया मैंने फर्टिलाइजेशन टॉपिक में। जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये जाइगोट बनने के बाद जो सेपल्स पेटल और ज़्यादा होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं ठीक है। तो पोलन ट्यूब से यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, तो यहाँ भी एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ से ये थोड़ा सा टूटकर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट से बन लेगा। अभी हम सेकेंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे इसका पूरा कैसे बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, एक सेल होता है पोलन, एंडोस्पर्म बनता है कैसे पढ़ते हैं पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, कौन इसे गाइड भी तो करेगा, पोलन ट्यूब यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता था, पोलन ट्यूब इधर भी ऐसे भी तो हो सकता था ग्रो, तो ये पोलन ट्यूब इधर क्यों ग्रो होगा एक सेल के पास ही, तो यहाँ पे कोई तो कोई इसे गाइड कर रहा होगा ना, तो बिना गाइड के आप रास्ता भटक सकते किधर भी जा सकते। तो इसे ये सेकेंड चैप्टर में कौन गाइड कर रहा है, ये कैसे इधर आया, तो यहाँ पे मेल गैमेट इसमें आया, तो मेल गैमेट टूटेगा, दो बनेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये सब होगा। तो गाइड या पोलन ट्यूब दूसरा कुछ करता है यहाँ पे होगा, तो इधर नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे ओवरी होगा, ये आप याद कर लीजिए, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट और ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट, ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरी फ्रूट किसमें डेवलप होता, ओवरी में, हाँ ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है और ओव्यूल सीड में बनता है, सीड ओवरी फ्रूट के अंदर होता है। तो यहाँ तक कि पूरा प्रोसेस होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, हमने ओवी पैरस वी पैरस भी देख लिया। ओवी पैरस किससे बोलेंगे, जब जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो उसे ओवी पैरस बोलेंगे, वी पैरस जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको मुझे जहाँ तक लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखिए अच्छे से, ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लीजिए, आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताएं कमेंट करके, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।